Hello friends, welcome back to my channel Tumbulya Tech Solution. I am your friend and guide Asis Tumbulya. तो स्वागत है दोस्तों आपका, आप सबका मेरे चैनल में। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो आप तो देख ही पा रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे साफ साफ लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने अब तक आप सबको बताया कि जितने भी टेस्टिंग हैं, जो भी मैं अब तक बता चुका हूँ, सारे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ही टाइप है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग है ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का ही एक टाइप में आता है। तो अब तक मैंने आप सबको फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग के बारे में बताया है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस में आप जाके वो सारे टेस्टिंग के बारे में देख सकते हैं और उससे आप लोग उन सब टेस्टिंग को कैसे करते हैं इनके बारे में सीख सकते हैं। और इस आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो टेस्टिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं रियल टाइम एप्लीकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस आपको चेंज करके दिखाऊंगा। हर एक एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि आप चेंज जब लैंग्वेज को करते हैं तो उसमें सारा कंटेंट भी चेंज हो जाता है उसी लैंग्वेज के हिसाब से। तो इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स भी है, बहुत सारे बड़े बड़े साइट्स है जिसमें डिफेक्ट्स है, जो लैंग्वेज चेंज करने पर भी सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। तो वो सब डिफेक्ट्स के बारे में मैं आप सबको इसमें बताने वाला हूँ। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग होता क्या है। तो एक्चुअली जो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए जो एप्लीकेशन बने होते हैं उन लैंग्वेजेस को टेस्ट करना, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है और भी बड़े बड़े एप्लीकेशन जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में चलते हैं, तो उन सब कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस के हिसाब से ये ऐप भी है। आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो इनका। आप अगर लैंग्वेज चेंज कर दोगे तो उस कंट्री का, जिस कंट्री का लैंग्वेज आप चेंज करोगे उस लैंग्वेज में पूरा का पूरा वेबसाइट कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम पूरा का पूरा वेबसाइट कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। तो यही सब हम चीज़ों को हम जो टेस्ट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा वेबसाइट सही तरह से, मतलब उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, तो इसी तरह का जो टेस्टिंग को हम ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली दो टाइप होते हैं ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग में। एक होता है इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग और इसको हम I-89 टेस्टिंग भी बोलते हैं, और एक और होता है कि लोकलाइजेशन टेस्टिंग। इस लोकलाइजेशन टेस्टिंग को हम L-10N टेस्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग क्या होता है। मतलब एक्चुअल में ये जो टेस्टिंग है, दिस टेस्टिंग इज एक्चुअली टू चेक वेदर वेन एवर वी आर चेंजिंग द लैंग्वेजेस इट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और नॉट। मतलब कि जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं किसी एप्लीकेशन का तो वो वेबसाइट का सारा कंटेंट उस लैंग्वेज में चेंज होता है कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं कि जिस जगह पे जो कंटेंट होना चाहिए, जैसे अगर मान लिया फेसबुक ले लेते हैं, उसमें क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड लॉगिन पेज में होता है, तो यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड के जगह पे यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड लिखा होता है नीचे में, हम जब ओपन करते हैं लॉगिन पेज फेसबुक का, और पासवर्ड के नीचे पासवर्ड लिखा होता है। पर जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, क्या सच में वो जो यूज़र नेम के जगह पे यूज़र नेम ही लिखा है और पासवर्ड के जगह पे पासवर्ड ही लिखा है, तो मतलब सही कंटेंट सही जगह पे प्लेस्ड है कि नहीं, ये भी जो चेक करते हैं वो इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर में आता है। साथ ही साथ हम ये भी चेक करते हैं इसमें, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेजेस होता है उसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है कि उर्दू, हम जैसे हिंदी इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट एक्सेंट, मतलब लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट होता है, हम लेफ्ट साइड से लिखना चालू करते हैं राइट की तरफ जाते हैं, बट उर्दू में उल्टा होता है। उर्दू में क्या होता है, लोग राइट की तरफ से लिखते हैं और लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो वेबसाइट में भी जब हम कन्वर्ट करेंगे उर्दू लैंग्वेज में तो वो क्या होना चाहिए,
कि हम जब कोई भी यूजर नेम लिख रहे हैं तो वो राइट की तरफ से लेफ्ट में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जो टेस्टिंग है ये हम इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग के अंदर में करते हैं, और दूसरा जो टेस्टिंग है वो लोकलाइजेशन टेस्टिंग है। एक्चुअल लोकलाइजेशन टेस्टिंग में हम इसमें जनरली हम तीन चार तरह का टाइप का हम चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम पहले जब लैंग्वेज चेंज करते हैं हम चेक करते हैं कि मतलब डेट फॉर्मेट मतलब आपको पता है ना कि सबसे पहले डेट होता है, फिर उसके बाद मंथ होता है, फिर ईयर होता है। ये हमारा इंडिया का फॉर्मेट है, डे मंथ ईयर। बट उसी तरह से अगर हम किसी और कंट्री का ले लें, जैसे यूएस का ले लें, यूनाइटेड स्टेट का, उनका क्या होता है फॉर्मेट में, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है। इसी तरह से अगर हम जर्मनी का ले लें, जर्मनी में क्या होता है, सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट फॉर्मेट होता है। तो यही सब जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो हम जब डेट चेक करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मतलब सही में वो डेट फॉर्मेट भी चेंज हुआ कि नहीं। ये एक तरह का टेस्टिंग हम करते हैं, वो लोकलाइजेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। दूसरा एक और होता है करेंसी। आप सबको पता है इंडिया का करेंसी रुपीस है, फिर यूएस का करेंसी आपका डॉलर में होता है, इसी तरह अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी होता है। तो हम जब कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेजेस को तो जब रुप वो जो करेंसी है वो करेंसी भी चेंज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हम चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोकलाइजेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो चलिए फिर अब और देर नहीं करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं किसी वेबसाइट का, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसको हम जब टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या-क्या डिफेक्ट आता है और किस तरह से आप डिफेक्ट उसको कैच कर सकते हो। तो पहले मैं क्रोम में जाऊंगा। क्रोम में सबसे पहले बड़ा वेबसाइट लेते हैं, facebook.com, ठीक है। और पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि ये इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग कैसे होता है। ये देखिए वेबसाइट फेसबुक का है, इसमें आप देख सकते हैं ईमेल, यहाँ पे यूज़र नेम होता है, इंटरव्यूअर ईमेल और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है, फॉरगॉटन अकाउंट है, लॉगिन कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट नेम है, सर नेम है। तो देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, कुछ भी टाइप करेंगे ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्लिक कीजिए, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाइए लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे भी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और हमारा फॉर्मेट के हिसाब से जो भी किया हुआ है ये इंग्लिश में है, तो हमारा लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट हो रहा है, इसीलिए ये जनरली यहाँ से फेसबुक लिखा है, लेफ्ट साइड से फेसबुक लिखा है, और उसके बाद फिर ये राइट साइड में इन्होंने सारा एंट्री के लिए सब पॉइंट्स दिया हुआ है जो भी हमको डेटा फिल करना है। अब चलिए हम लैंग्वेज चेंज करके देखते हैं। तो लोग इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग है तो इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जनरली मतलब हम अभी जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि जब हम कोई और लैंग्वेज में इसको डालते हैं तो जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट और लैंग्वेज पूरी तरह से चेंज हुआ है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप ये सारी लैंग्वेजेस आप चेक कर सकते हैं। इन सारे लैंग्वेजेस को आप सिलेक्ट करके आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेजेस में करेंगे वो लैंग्वेज में वो पूरा का पूरा वेबसाइट आपका देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए अलग लैंग्वेजेस में आ गया। आप फिर जाते हैं, ये देखिए हिंदी में क्लिक कीजिए, देखिए पूरा का पूरा वेबसाइट हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ये बंगाली है, टूल टिप में आप देख सकते हैं कि ये बंगाली लिखा हुआ है, तो ये बंगाली में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा बंगाली में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो और हाँ, इसमें से मैं जो डिफेक्ट का बात कर रहा था, जो मतलब बोल रहा था कि लैंग्वेज कन्वर्टेड इन मतलब सही में पूरा का पूरा कंटेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, देखिए ये बंगाली में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेटर है, ठीक है, ये इंग्लिश का लेटर, नंबर्स जो भी है ये इंग्लिश का नंबर है आपको दिख रहा है, जबकि बंगाली में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए नंबर्स इन बंगाली, ओके, इस पर क्लिक कीजिए,
पहला वाला ही वेबसाइट खोलता हूँ, देखता हूँ क्या है। 1 to 10, ये देखिए, ये नंबर्स देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये देखिए ये बंगाली का जो भी नंबर है, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे बंगाली के नंबर अलग है जो कि इंग्लिश के नंबर से बिल्कुल मैच नहीं करते। पर यहीं पे आप जाइए, ये देखिए यहाँ मंथ जो है वो तो बंगाली में कन्वर्ट हो चुका है, बट यहाँ का जो डे है, डे का जो आप देख सकते हैं, डे आपका इंग्लिश इंग्लिश नंबर है, इंग्लिश का नंबर है, ये भी देखिए ये भी इंग्लिश में है। तो ये एक तरह का डिफेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो बंगाली में कन्वर्ट होना चाहिए था, एक एक चीज़ बंगाली में कन्वर्ट होना चाहिए था, पर ये अभी भी नंबर इंग्लिश में ही है, ये भी इंग्लिश में है। उसी तरह से आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैसेंजर, ये इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये मतलब ये नाम है, ठीक है, इसी वजह से, बट नाम को भी एक्चुअली में बंगाली में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ मैसेंजर, मैसेंजर को बंगाली में भी मैसेंजर लिख सकते हैं ना, क्योंकि लिखना ही चाहिए, क्योंकि वो बंगाली लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट किया है, तो ये पूरा हर एक चीज़ बंगाली में होना चाहिए। फेसबुक लाइट, तो इसको भी, फेसबुक लाइट को भी बंगाली में लिखा होना चाहिए था, वॉच इसको भी बंगाली में लिखा होना चाहिए था, बट ये सब इंग्लिश में। तो ये सारे डिफेक्ट हैं, इन सबको हम जो है इंटरनेशनलाइजेशन डिफेक्ट बोलते हैं, मतलब जो लैंग्वेज में हमने, जिस लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट किया था इसको, वो लैंग्वेज में ये कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये एक तरह का मैंने आपको बताया कि किस तरह का डिफेक्ट होता है। दूसरा एक और मैंने बताया था कि इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग में एक और चीज़ हम चेक करते हैं, वो होता है अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब जैसे बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, हम क्या लेफ्ट टू राइट में हम लिखते हैं, और उर्दू जो भी अरबिक लैंग्वेजेस, वो राइट टू लेफ्ट आता है। तो अब मैं एक अरबिक लैंग्वेज चूज़ करता हूँ यहाँ, ये देखिए उर्दू, उर्दू एक अरबिक लैंग्वेज है, इसमें आप लोगों को पता होगा उर्दू हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, तो हम उर्दू में क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ये पूरा का पूरा वेबसाइट ही चेंज हो गया, उर्दू में राइट टू लेफ्ट होता है, इसीलिए देखिए ये राइट की तरफ से जा रहा है और ये लेफ्ट साइड में हमारा सारा दिया हुआ है। जैसे हमारे इंग्लिश में लेफ्ट टू लेफ्ट में ये फेसबुक वाला ये सब चीज़ लेफ्ट में था और ये राइट में था। तो अब देखिए ये हमारा, हाँ अलाइनमेंट, ये यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ओ नहीं, ये है यूज़र नेम, क्योंकि देखिए मैंने उसमें डाला हुआ था कि ये अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये देखिए ये, क्योंकि इसमें मैंने यूज़र नेम डाला था, तो ये यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, ये देखिए यूज़। तो हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ़्ट टू राइट होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये उर्दू लैंग्वेज है, तो इस उर्दू लैंग्वेज में जो अलाइनमेंट होता है वो राइट टू लेफ़्ट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये कैसे जा रही है, लेफ्ट, ये राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड में जा रहा है। उसी तरह से यहाँ भी आप चेक कीजिए, ये राइट से लेफ़्ट हो रहा है, इसमें भी टेक्स्ट फील्ड में आप देख सकते हैं सारा में लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। तो ये, बट ये वाला आप टेक्स्ट फील्ड देखिए, ये यहाँ से चालू होना चाहिए था, इस जगह से, पर ये कहाँ चालू हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो ये एक और डिफेक्ट हमने फाइंड किया है फेसबुक में। देखिए फेसबुक भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट क्या ये छोटे मोटे मिस्टेक्स है, तो इससे जनरली बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनरली बहुत कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं उर्दू लैंग्वेज में, सो ये मैटर नहीं करता, इसी वजह से देखिए उन्होंने इसको ऐसे रख दिया है, नहीं तो अगर बिजनेस पे इफेक्ट पड़ने वाला डिफेक्ट होता तो इसको ज़रूर वो ठीक करते थे। तो इसी तरह का मतलब डिफेक्ट्स भी बहुत तरह के होते हैं, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा जैसे, और ये जो डिफेक्ट का कैटेगरी है इसको माइनर डिफेक्ट में हम कंसीडर करते हैं, तो इसीलिए इसका कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक और तरह का डिफेक्ट बताया कि इस तरह से, और आप लोग इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप वेबसाइट को चेंज कीजिए, चेंज करके आप देखिए कि हर एक चीज़ चेंज हुआ है कि नहीं, जो जो चीज़ चेंज नहीं हुआ उस लैंग्वेज में, तो समझ लीजिए वो एक डिफेक्ट में आ जाता है। और साथ में ये टेक्स्ट बॉक्स आप इसमें, जैसे वो तो इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग में आप देखेंगे कि आप लैंग्वेज सही में चेंज हुआ है कि नहीं, बट जो लोकलाइजेशन टेस्टिंग होता है उसमें आप देखेंगे कि करेंसी मतलब रुपीस हो गया, फिर डेट फॉर्मेट हो गया, और अलाइनमेंट वाला जो भी है, ये अलाइनमेंट वाला भी आपका इंटरनेशनलाइजेशन पे भी आ जाता है, मतलब
ये जो है अलाइनमेंट में हम ये चेक, वही जैसे मैंने आपको बताया कि हम चेक करेंगे कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये लैंग्वेज के ऊपर है, उर्दू का राइट टू लेफ्ट है। तो हमने ये जो चेक किया, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसका मतलब ये डिफेक्ट में आ जाता है। तो इस तरह से हम सारे वेबसाइट्स को चेक करेंगे। तो चलिए, आपका इंटरनेशनलाइजेशन का टेस्टिंग तो हो चुका है, अब मैं थोड़ा लोकलाइजेशन पे फोकस करता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोकलाइजेशन में हम, चलिए मुझे जो वेबसाइट पता है वो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कुछ लोकलाइजेशन डिफेक्ट्स है। ये आपका अलीबाबा, चलिए अलीबाबा के एक वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये खोल दिया। चलिए सबसे पहले क्या करें, क्या करें, लैंग्वेज चेंज करें। हाँ चलिए लैंग्वेज चेंज करते हैं, एक काम करते हैं, हम हिंदी लैंग्वेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा? दूसरा लैंग्वेज होगा तो आप ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, तो इससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे परिधान, इतना हिंदी तो मुझे भी नहीं आता है परिधान, या ऑब्वियसली ये मतलब ड्रेसेस का बात कर रहा है तो एक्चुअली, या हाँ हम हिंदी इंडियन हैं बट हमें भी हिंदी उतने अच्छी तरह नहीं आती है। चलिए चलते हैं टॉपिक पे, चलते हैं, साइड की बातों को साइड में रखते हैं। तो अब चलिए इसमें ट्राई करते हैं। ओके, सो पहला वाला शर्ट देखते हैं। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ जो आपका मिस्टेक है, और जो कि हम जिस तरह का टेस्टिंग हम इसमें करेंगे। तो मैंने कि जैसे कि आपने कहा, मैंने आप लोगों को बताया कि लोकलाइजेशन टेस्टिंग में क्या होता है। लोकलाइजेशन टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि हम जब लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, हमारा लैंग्वेज क्या है, हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, मतलब ये इंडियन स्टैंडर्ड है। ठीक है, हिंदी इंडिया में चलता है, आपको पता है। तो इंडिया का जो करेंसी है, आपको पता है कि इंडिया का करेंसी रुपीस हो, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉलर में दिया हुआ है, तो ये एक तरह का मिस्टेक है। तो हम इस तरह से चेक करते हैं कि हमारा सही में एक्चुअली, ये तो रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, जब एक्चुअल में कोई मतलब कंपनी में टेस्टिंग होता है और कंपनी वाले मतलब कोई कस्टमर उस कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए देते हैं, और समझ लीजिए कि वो कस्टमर का मतलब जो बिजनेस है अलग अलग मतलब कंट्रीज में है, तो उसको जो वेबसाइट बनाना पड़ेगा, वो वेबसाइट क्या है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए बनाना पड़ेगा। तो वो जो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए बनाएगा, तो उस कंट्री का जो भी चीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर उस कंट्री का जो पैसा हो गया, फिर डेट फॉर्मेट हो गया, वो सारा कुछ मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर हो सकता है, एक्चुअली ये सब माइनर डिफेक्ट्स है, मतलब मैटर नहीं करेगा, बट कुछ कुछ कंपनीज होता है कि नहीं, वो अपना कंट्री का ही सब कुछ होना चाहिए, जैसे दे अपना कंट्री का रुपीस होना चाहिए, वो कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट हो सकता है। और कभी कभार बोलेंगे कि नहीं, डेट फॉर्मेट मेरे ही कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री में है, और जिस कंट्री में का हम लैंग्वेज चेंज करेंगे सेम उसी कंट्री का फॉर्मेट में वो मनी भी होना चाहिए, यानी रुपीस जो भी पैसा है, पैसा करेंसी है, वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए, साथ ही साथ डेट का जो फॉर्मेट है, जिस कंट्री का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जो चेक करेंगे कि मतलब सही में उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दिया उस हिसाब से सही में जो हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो और साथ में एक और भी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि पोस्टल कोड हो गया। जैसे इंडिया में हमारा क्या होता है ना, 6 डिजिट का मतलब एक पोस्टल कोड चलता है, जब भी हम एड्रेस वड्रेस लिखते हैं तो 6 डिजिट का डिजिट का कोड होता है, पिन कोड हम बोलते हैं उसको। ठीक है, और बट यूएस में क्या होता है, 5 डिजिट का होता है, वो लोग उसको जिप कोड बोलते हैं। और जर्मनी में भी होता है, 5 डिजिट का होता है या फिर 3 डिजिट का होता है जर्मनी में, ठीक है, वो लोग उसको जिप कोड ही बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कोड्स होता है। तो जब हम लैंग्वेजेस में चेंज करते हैं, तो फिर हमको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मान लिया कोई एक वेबसाइट है जिसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब होता है ना, आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म हम भरते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरे हैं हमने, तो उसमें क्या होता है, हम एड्रेस डालते हैं, एड्रेस में क्या है ना, पिन कोड्स, जिप कोड, ये सब होता है। तो हमारा इंडिया में जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमारा पिन कोड जब डालते हैं तो 8 डिजिट मतलब सॉरी 6 डिजिट का होता है, उसी तरह जब यूएस का फॉर्म भरेंगे ना आप, तो उसमें सिर्फ 5 डिजिट का जिप कोड होता है, और फिर जर्मनी का कभी कभार 3 डिजिट का होता है, कभी कभार 5 डिजिट का होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है ना, ये सब चीज़ें मतलब जब हम कन्वर्ट लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हैं वेबसाइट का, तो ये सब चीज़ें मतलब वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए।
ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती है कि हम ये ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। तो चलिए, ये मैंने एक प्रॉब्लम तो आपको बता दिया कि ये एक डिफेक्ट है कि हमारा इंडिया का करेंसी जो है वो रुपीस है, बट यहाँ पे डॉलर में शो कर रहा है। तो चलिए अब दूसरा आपको दिखाते हैं कि दूसरा और क्या डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट दूसरा है डेट फॉर्मेट, और इंडिया का डेट फॉर्मेट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको गूगल पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। और डेट फॉर्मेट्स इन इंडिया, ओके, ये देखिए, इन इंडिया द DD, ओके, डे फर्स्ट देन मंथ देन ईयर, मतलब डे होगा फिर मंथ होगा फिर ईयर होगा, वो भी इस तरह का, इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब पहले डे आना चाहिए, फिर मंथ आना चाहिए, फिर ईयर, क्योंकि ये देखिए, जैसे ये मेरा आप सिस्टम देख रहे हैं, सिस्टम का भी जो डेट है इसमें देखिए, डे पहले है, मंथ है, फिर ईयर है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया है, मैं इंडिया, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया था वो इंडिया सिलेक्ट किया था, इंडियन रीजन। सो इसी वजह से ये डेट फॉर्मेट देखिए आप देख सकते हैं, डे है फिर मंथ है फिर ईयर है, उसी तरह से इंडिया का डेट फॉर्मेट यही है, और अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट फॉर्मेट होता है। तो हमने जो ये साइट को चेंज किया है, ये वाला, ये इंडिया मतलब इंडियन वाला साइट हमने खोला है, तो हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो इंडिया में तो हमारा डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि डे मंथ ईयर, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक जो वैलिडिटी है, हम जब भी ये जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो इसका ऑर्डर का वैलिडिटी होता है, मतलब वारंटी वारंटी होता है, तो उसमें डेट दिया मेंशन किया होता है, इतना तारीख से इतना तारीख तक। तो इसमें भी वही चीज़ मेंशन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस फॉर्मेट में है। तो चलिए ये देखिए, ये देखिए वैलिड फ्रॉम, ये देखिए आप देख सकते हैं 2019-10-24 अंटिल 2020-10-15, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए, पहले ईयर है फिर मंथ है फिर डे है, जो कि हमारे फॉर्मेट का बिल्कुल अपोजिट है। हमारा फॉर्मेट है डे मंथ फिर ईयर, और यहाँ पे ईयर मंथ फिर डे दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है। तो इससे बोल सकते हैं जो हमारा ये एक तरह का लोकलाइजेशन डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है? लोकलाइजेशन डिफेक्ट। लोकलाइजेशन डिफेक्ट मतलब कि मतलब जो भी चीज़ हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कंट्री का जो स्टैंडर्ड है उसको मैच नहीं कर रहा है। ये कंट्री का स्टैंडर्ड मैच कर रहा है कि नहीं वो एप्लीकेशन और वो वेबसाइट, उसको चेक करने के लिए हम ये लोकलाइजेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं, वैलिड फ्रॉम अनटिल, ये सब क्या है? ये इंग्लिश है ना, बट हमने कौन सा लैंग्वेज चूज़ किया है? हिंदी। तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट हो गया। ये कौन सा डिफेक्ट है? अभी ये मैंने आप सबको बताया है, ये कौन सा डिफेक्ट है? हाँ, ये जो डिफेक्ट आता है ये आपका इंटरनेशनलाइजेशन डिफेक्ट में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और तो ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग के अंदर आता है, ये सारे इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, फिर और भी आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट ड्रॉप बॉक्स में आप लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इस तरह की टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, और एक्चुअली अभी बहुत सारी और टेस्टिंग की वीडियोस बाकी है, उसके बाद मैं बाकी और सारी टेक्निकल अलग अलग एप्लीकेशंस के वीडियोस डालूंगा। तो तब तक के लिए अभी फ़िलहाल तो मैं यही टेस्टिंग की, जितने दिन ख़त्म नहीं होती है मैं सारी टेस्टिंग को अलग अलग तरह की टेस्टिंग से वो कैसे करते हैं उस सब के बारे में आप लोग को बताते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे वापस अगले वीडियो में। धन्यवाद।